तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल केपीएम फैंटेसी एक्सपर्ट पर। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूँ जो जस्ट कबड्डी लीग खेली जा रही है इसका भाई जो आज के दिन का भाई पहला मैच और टूर्नामेंट का मैच नंबर 34 जो कि खेला जाएगा यूपी धुरंधर वर्सेज दिल्ली दमदार यानी कि दिल्ली दमदार के बीच में। अब इन दोनों ही टीम्स की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो भाई वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कंप्लीट देख लीजिएगा। और अगर आप भाई वीडियो को कंप्लीट देख लेते हो ना तो इजीली आप इस मैच में बहुत ही शानदार विनिंग करने वाले हो। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक कंप्लीटली वॉच आपको करना है, बाकी काम मैं आपके लिए कर दूंगा। वीडियो अगर आप कंप्लीट देखोगे तो स्मॉल लीग के साथ साथ जीएल मिनी जीएल के भी कुछ आपको डिफरेंशियल पिक्स बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिएगा। अब यहां पर अगर बात करें भाई जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, 16 लाख रुपए की जीएल लगी हुई है। इस जीएल कॉन्टेस्ट के लिए 3 से 4 जीएल कॉम्बिनेशन मैं आपके लिए शेयर कर दूंगा, लेकिन उन सबसे इंपॉर्टेंट भाई कि आप खुद से जीएल टीम बनाओ और खुद से भाई बेहतरीन विनिंग कर पाओगे, क्योंकि आपकी टीम है ना वो डिफरेंशियल रहेगी। मेरी टीम काफी सारे लोग लेकर आएंगे तो अगर रैंक एक आई ना तो भी आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। हाँ, मेरे जीएल जो कॉम्बिनेशन में शेयर कर रहा हूं उनमें आप एक दो चेंजेस करके जरूर ट्राई कर सकते हो। अगेन जो भी मेरी फाइनल टीम होगी या जो भी भाई कुछ भी फाइनल अपडेट होगी ना लाइनअप अनाउंस होने के बाद, वो सारी आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन कर लेना है, ये काम आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्वाइन कैसे करना है, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। टेलीग्राम चैनल अभी के अभी जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोनों टीम्स की अगर बात करें तो यहाँ पर एक टीम यहाँ पर अभी काफी तगड़ी परफॉर्मेंस दे रही है पिछले कुछ मैचेस से, वही अगर आप देखोगे यूपी की टीम तो ये थोड़ी सी एवरेज चल रही है। चलिए मैं आपको एक बार थोड़ी सा दिखा देता हूँ कि क्या कुछ यहाँ पर दोनों टीम्स ने किया हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो दिल्ली दमदार की टीम नंबर 3 की पोजिशन पर है, 8 मैच में से 4 मैच जीते 4 मैच हारे। वहीं अगर आप देखोगे यूपी धुरंधर की टीम ये नंबर 7 पर आपको दिखेगी, 8 मैच में से 3 मैच जीते और 5 मैच इन्होंने हारे। अब यहां पर आपको डिफरेंस दिख रहा होगा कि कुछ ज्यादा ही है, 1 नंबर 3 पर 1 नंबर 7 पर, लेकिन बिल्कुल सेम टीम है। दोनों टीम्स की परफॉर्मेंस जिस दिन अच्छी रहती है उस दिन अच्छी रहती है, लेकिन जिस दिन खराब होती है ना भाई उस दिन बहुत ही खराब होती है। तो यह चीज आपको ध्यान में रखनी है और इसी हिसाब से आपको टीम भी बनानी है। अब टेलीग्राम की अगर बात करें तो लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कॉमेंट में मिल जाएगा। जो मॉर्निंग में भाई बायजूस टी10 मैच था वन साइडेड, वहां पर आपको अल्ट्रा क्लीनशिप करवाई है। अगेन यहां पर अगर बात करें तो ये मैच भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए स्टार्टिंग 7 देख लेते हैं, उसके बाद आपको मैं टीम भी बना के दिखाऊंगा। स्टार्ट करते हैं भाई यहां पर यूपी की टीम से। तो यूपी की टीम की तरफ से अभिजीत आपको दिखेंगे जो लास्ट मैच में खेले जरूर थे लेकिन बिल्कुल एवरेज परफॉर्मेंस दी थी, 3 टच पॉइंट 6 बोनस पॉइंट इन्होंने निकाले थे। इसके अलावा अगर बात करें भाई जो स्टार्टिंग के मैचेस थे उनमें इन्होंने काफी ज्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस दी थी। यहां पर आप देखोगे 21 टच पॉइंट 1 टैकल भी निकाला, उसके अगले मैच में आप देखोगे तो भी यहां पर भाई 1 टैकल और 14 टच पॉइंट 6 बोनस, यानी कि है बंदा डिफेंस सेक्शन में लेकिन मेन काम रेडिंग का करेगा, मेरे हिसाब से मस्ट पिक रहेगा। इवन भाई जीएल मिनी जीएल में आपके लिए सीवीसी का तगड़ा दावेदार रहेगा। नीचे अगर आप देखोगे अंकुर मलिक जीएल मिनी जीएल में ट्राई कीजिएगा, स्मॉल लीग में आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। गोविंद की बात करें तो अगर खेलता है तो मेरे हिसाब से आपके लिए एक डिफरेंशियल पिक का काम कर सकता है स्मॉल लीग में, बट अगेन ज्यादा आप अगर इन्हें ट्राई कर रहे हो एज ए सीवीसी या फिर मतलब अगर आपको रखना ही रखना है तो भाई मस्ट पिक ही आपके लिए रहेगा जीएल में। स्मॉल लीग में एज ए डिफरेंशियल पिक आप जरूर इसे ट्राई कर सकते हो। ऑलराउंडर सेक्शन की बात करेंगे तो यहाँ से कोई भी इंपॉर्टेंट प्लेयर नहीं दिख रहा। बात करेंगे रेडिंग सेक्शन से तो यहाँ पर आपको दिखेगा एस कुमार जो बीच बीच में आकर अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो इन्हें आप अगर चाहो तो बैक कर सकते हो, चाहो तो जीएल मिनी जीएल में ट्राई कीजिएगा। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है परवीन बीरवाल, लास्ट मैच खेला नहीं था, उससे पहले भाई जितने भी मैच खेले ना मात्र एक मैच जो बेंगलोर के अगेंस्ट में था उसको अगर आप निकाल दो ना, हर मैच में अच्छी खासी परफॉर्मेंस है, तो मेरे हिसाब से मस्ट ऑफ पिक रहेगा। इवन सीवीसी का तगड़ा दावेदार रहेगा, ठीक है। नीचे अगर आप चलोगे तो आपको वी कुमार दिखेगा जो लास्ट के कुछ मैचेस से अच्छा कर रहा है, तो अगर आप चाहो तो आप इन्हें भी एज ए डिफरेंशियल पिक ट्राई कर सकते हो। दीपक की बात करें लास्ट मैच खेला नहीं है, अगर खेलते तो आपके लिए ठीक ठाक पिक यहां से हो जाएंगे। बाकी अगर बात करें सामने वाली टीम की
तो यहाँ से अभिमन्यु आपको दिखेंगे, जिन्हें अगर आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि इन्हें आप जीएल मिनी जीएल में ट्राई कीजिएगा। स्मॉल लीग में आपके लिए मे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना रहे, बट जीएल मिनी जीएल में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। वहीं अगर बात करें प्रदीप की, तो मेरे हिसाब से भाई मस्ट टॉपिक रहेगा। यहाँ से देखिए एक भी मैच ऐसा नहीं है जिसमें बंदा कंप्लीटली फ्लोप हुआ, किसी में कम पॉइंट किसी में ज़्यादा पॉइंट जरूर रहे हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसका कि भाई बंदा है रेडिंग सेक्शन में लेकिन डिफेंस में मेन काम करेगा। ऐसा नहीं है रेडिंग में पॉइंट नहीं लेगा, रेडिंग में भी ले सकता है, लेकिन मेन काम भाई डिफेंस में करके आपको जरूर दे रहा है हर मैच में, ठीक है। मेन डिफेंडर के तौर पर आप इसे देखिएगा, रेडिंग सेक्शन में जरूर है बंदा, कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर भाई आपके लिए डिफेंस का ये मेन काम करने वाला है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो आपको ये शर्मा दिखेंगे, जिन्हें आप जीएल मिनी जीएल में ट्राई कर सकते हो। बाकी यहाँ से कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। एम दालियात की बात करें तो जीएल मिनी जीएल में ही हम यहाँ से ट्राई करेंगे। ऑलराउंडर सेक्शन की बात करें तो संजय को आप अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो, लास्ट के दो मैच से अच्छी परफॉर्मेंस भी कर रहे हैं, और यहाँ से भाई एक ऑलराउंडर तो मिनिमम हमें लेना ही होगा, तो उस कंडीशन में भाई यहाँ से संजय सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इसके अलावा अगर आप चाहो तो आप नितेश को भी कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि आप संजय के ही साथ जाओ अगर आप जा रहे हो तो। अब अगर बात करें भाई यहां पर डिफेंस सेक्शन की, तो यहां पर आपको सबसे पहले दिखेगा हुकुम सिंह, जो हर मैच में अच्छी खासी परफॉर्मेंस कर रहा है। और वही बात है भाई, जो इनके रेडर है वो डिफेंस सेक्शन में, जो डिफेंडर है वो भाई रेडिंग सेक्शन में। तो यहां से हुकुम सिंह मेन काम रेडिंग का कर रहा है, बट एज ए ऑलराउंडर आप इसे कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि हर मैच में आपको रेडिंग के साथ साथ कुछ ना कुछ टैकल भी करता दिखेगा, तो ट्राई कर सकते हो। प्रतीक की अगर बात करें तो प्रतीक भी आपके लिए एक जीएल मिनी जीएल टाइप कंटेंडर रहेगा। स्मॉल लीग में मे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना रहे, बट जीएल मिनी जीएल में आप जरूर इन्हें बैक कर सकते हो। अब अगर बात करें भाई टीम की, तो चलिए मैं आपको टीम भी बना के दिखाता हूँ। ऐसे हुकुम हमारी टीम में रहेगा, इसके अलावा भाई अभिजीत को अभी के लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ। इसके अलावा नीचे अगर आप चलोगे तो भाई यहाँ पर गोविंद को आप अपनी टीम में रख सकते हो। ऑलराउंडर सेक्शन की बात करें तो यहाँ से भाई आप संजय को रख सकते हो। इसके अलावा रेडिंग की बात करें तो पी बिरवाल अगर खेलता है तो मस्ट टॉपिक रहेगा। इसके अलावा भाई प्रदीप यहाँ से हमारी टीम में रहेगा। अब यहां से देखिए, अगर आप फेवर करना चाहते हो दिल्ली को, तो आप यहां से अभिमन्यु को अपनी टीम में रख सकते हो। अगर आप यहां से भाई फेवर करना चाहते हो किसको, राजस्थान को, तो यहां से यूपी को, तो यहां से भाई आप एस कुमार को ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो ये काम आप कर सकते हो। बाकी यहां से अभी के लिए मैं दिल्ली के फेवर में जा रहा हूं थोड़ा सा, क्योंकि स्लाइटली डिफरेंस है परफॉर्मेंस में भी, तो उसी को फेवर करते हुए मैं ऐसे दिल्ली के फेवर में जा रहा हूं। अगेन जो फाइनल टीम में है, फाइनल कॉम्बिनेशन है, वो भाई लाइनअप्स के बाद ही आपको दे पाऊंगा। जब लाइनअप्स अनाउंस होगी ना, तुरंत आपको टेलीग्राम चैनल पर आ जाना, वहीं पर आपको टीम्स वगैरह मिल जाएंगे। जीएल के भी 3-4 कॉम्बिनेशन में वहां पर शेयर करूंगा, तो आप ज्वाइन जरूर से कर लीजिएगा। बात करें अगर यहां से भाई कैप्टनसी की, तो पी बिरवाल के अलावा कोई दूसरा अच्छा ऑप्शन नहीं है। वीसी के ऑप्शन की बात करते हैं, तो वीसी के एक डिफरेंशियल पिक अगर आपको बताऊं तो वो आपके लिए रहेगा यहां से हुकुम सिंह, ठीक है। लेकिन अगर आपको सेफ जाना है तो फिर भाई आप यहाँ से प्रदीप के साथ जा सकते हो या फिर अभिमन्यु के साथ जा सकते हो, ठीक है। बट अभी के लिए मैं हुकुम सिंह को एज ए वीसी अपनी टीम में कंसीडर कर रहा हूँ। टीम के प्रीव्यू की अगर बात करें तो टीम आपकी स्क्रीन पर है, ऑलमोस्ट फाइनल है। कोई भी अगर चेंजमेंट होता है तो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कीजिएगा, लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में दे दिया गया है, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे मैच टाइम पर टेलीग्राम चैनल पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।